subscribe, and turn your notifications on. Chapter 21, Defamation. इसकी पनिशमेंट क्या है और इसकी सजा क्या है और ये होता कैसे है और ये रिटन फॉर्म पे कब होता है, आप किसी को रिटन फॉर्म पे कैसे कैसे डिफेम कर सकते हैं, आप ओरली किसी इंसान को कैसे कैसे डिफेम कर सकते हैं, आप अपने अशारों से किसी इंसान को कब डिफेम करते हैं और इनकी सज़ा क्या है जब आप किसी इंसान को ओरल या रिटन किसी फॉर्म पे या इशारों के साथ उसको डिफेम करते हैं, तो उनकी सजाएं क्या क्या हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। सेक्शन 502 पनिशमेंट के बारे में डील करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ सेक्शन 502? तो डेफेमेशन के बारे में डील कर रहे हैं सेक्शन 502 और उसकी मैक्सिमम और द मिनिमम पनिशमेंट बता रहे हैं। अच्छा, 502 में हम देखेंगे व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर सेलिंग एनी मैटर नॉन टू बी डेफेमेटरी, तो इसके अंदर हम ये देखेंगे। FIR under section 502, whoever sell or offer to for sale any print or reproduction, drawing, design, substance containing defamatory matter, knowing that it contains such matter, shall be punished with simple imprisonment of a term which may extend to 2 years or fine or both. Simple, agar koi banda उसको जो प्रिंटेड फॉर्म पे बेचना चाह रहा है या ड्राइंग करके बेचना चाह रहा है उसको सेल करना चाहेगा, तो उसकी जो सजा होगी वो 2 साल की सजा होगी और साथ में उसको फाइन भी होगा। अगर तो कोई बंदा कोई डेफेमेटरी चीज है, जैसे कोई पिक्चर्स हैं या कोई अखबार में छाप के उसको फिर बेच रहा है, आगे सेल कर रहा है, सही है, उसको बेच रहा है, तो या उसके मैगजीन पे चीजें डाल के उसको बेच रहा है, उसको पैसे कमा रहा है उससे, तो ये जो चीज है उसको 2 साल की सजा होगी यहां पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड टर्न योर नोटिफिकेशंस ऑन।